जय हिंद, आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैरेट यूट्यूब चैनल में। जैसा आप थंबनेल में देख लिए कि किस चीज़ के बारे में आपका बात होने वाला, असम राइफल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। हालांकि मैं आपको एक वीडियो लास्ट में दूंगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल बीच में स्किप मत करिएगा। आपके समय का मैं महत्व को जानता हूँ, कितना आपके समय का महत्व है, लेकिन आपका कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ ना हो जाए इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। खास करके जो कैंडिडेट आपकी पहली बार वैकेंसी में जा रहे हैं, पहली बार रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं देखने के लिए भर्ती, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट असम राइफल भर्ती 2022 में लेकर के जाने हैं। तो सबसे पहला आपका क्या हो गया कि आपको पता है कि कितने सेंटर बने हैं, आपके 7 सेंटर बने हैं। दीपू हो गया, थर्ड दिमापुर माइल हो गया, सुखोवी हो गया, जोहरट हो गया, मेघालय हो गया, लोखरा हो गया, हफलोंग हो गया। आपके कितने हैं? 7 सेंटर है। 7 सेंटर पर आपका एक ही तरीके का डॉक्यूमेंटेशन होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो भी ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली आपका सेम होता है, क्योंकि हर एक लाइसेंस ऑफिसर को ये नोटिस भेज दिया गया है 5 अगस्त तक। 5 अगस्त को भेज दिया गया कि आप ऐसे ऐसे अपना कर लीजिए, इतना मिनट में इतना रनिंग वनिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, डोसियर वोसियर पूरा लिस्ट सेंड कर दिया गया है, या मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले आना है? सबसे पहला चीज क्या है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फॉर्म को फिल किए थे तो उसमें आपको जो रिसिप्ट में एप्लीकेशन फॉर्म आया था, आपका नाम लिखा हुआ है, पेस्ट फोटो लिखा हुआ है और उस पर आपका पेमेंट का लिखा हुआ है, उस फॉर्म को आपको ले लेना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड को ले लेना है। उसके बाद आप उसी में जब आपका क्या हुआ होगा, जब आप भरे होगा तो पेमेंट रिसिप्ट मिला होगा, पेमेंट रिसिप्ट 100 रुपये का मिला होगा। जो भी लोगों का चार्ज कटा है 100-200 रुपये का, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, ग्रुप बी के लिए 200, ग्रुप सी के लिए 100 रुपये, और जो SC ST कैटेगरी से हैं उनके लिए पेमेंट का नहीं जरूरत है, तो उनको नहीं देना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? जिनको नहीं कटा है उनको पेमेंट रिसिप्ट नहीं देने का जरूरत है। और ये 3 डॉक्यूमेंट हो गया। चौथा डॉक्यूमेंट क्या होगा कि आपको मैं स्क्रीन पर, हाँ, और मैं बता दे रहा हूँ कि जिन लोगों का पेमेंट रिसिप्ट नहीं डाउनलोड कर पाए हैं, उस समय क्या हुआ, सर्वर का एरर हो गया, तो वो लोग वीडियो को एक मैं बना दूंगा कि SBI कलेक्ट से आप अपना थंबनेल में बता दूंगा कि उस पर डाल दूंगा कि आपका अगर ऐसा कुछ बीच में साइट बंद हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि आपका पेमेंट रिसिप्ट नहीं डाउनलोड हो पाया तो आप कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि ऐसे नहीं बात हो पाएगा, उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाना होगा। तो आपका ये इतना डॉक्यूमेंट्स बता दिया। और स्क्रीन पर आपको, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यह जो आपका विंडोज खुल के आया है, और इस पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ, पेमेंट स्टेटस। जैसे आप पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करोगे, इस वाले पेज को भी क्लिक करने के बाद ये जो पेज आपका ओपन होकर के आया है स्क्रीन पे, इस वाले पेज को भी आपको लेकर के जाना है, क्योंकि वहाँ पे इसको ही मांगते हैं डोसियर पे चेकलिस्ट लगाने के लिए। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नहीं ले जाते हो तो कोई भी दिक्कत इसमें इशू होने वाला नहीं। आप बोलोगे कि यह सब तो एप्लीकेशन एडमिट कार्ड पर नहीं लिखा, एडमिट कार्ड पर नहीं लिखा है तो इसीलिए तो मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पे सामने, जो चीज़ लिखा हुआ है आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपके सामने आकर के पूरा जेन्युइन कंटेंट देने की कोशिश पूरा करता हूं। और आपका क्लास 10th 12th का मार्कशीट, जिन लोगों के लिए क्लास 12th का मार्कशीट नहीं है, ITI का, जो ITI से फॉर्म भरे हैं वो ITI के लिए जाएंगे, मैकेनिकल, TV, टेलीविजन, रेडियो ऑपरेटर, इन सब से जो भी आपका सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं वो भी उस वाले सर्टिफिकेट को ले जाएं जिस बेसिस पे आपका है। अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस के ले जाइए। टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांगा था और आपने अपलोड किया है तो टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। आपके एडमिट कार्ड पे नहीं लिखा गया है, लेकिन तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट लेते हैं, जितना भी आप अपलोड किए हैं उन सभी को आप लेते जाइएगा, जितना सर्टिफिकेट अपलोड हुआ। और स्पोर्ट कोटा वाले मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो इतने भी कैंडिडेट, जैसे कि 2 कैटेगरी में आप कैंडिडेट को बांट सकते हैं, 2 से 3 कैटेगरी में, एक एक सर्विसमैन जो सर्विंग असम राइफल पर्सनल है, और स्पोर्ट कोटा, और आपका क्या हो गया कि एक हम लोग जैसे नॉर्मल लोग हैं, तो इसमें 3 लोगों के लिए अलग अलग यार, जैसे कि स्पोर्ट वालों लोगों के लिए आपको स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, सर्विंग वालों के लिए सर्विंग, और जो नॉर्मल है जैसे जो भीड़ लगी हुई है, नॉर्मल सिविलियन लोग आ रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई सर्टिफिकेट की नहीं ज़रूरत है भैया, ध्यान से समझ लीजिए। और स्पोर्ट सर्टिफिकेट वाले स्पोर्ट सर्टिफिकेट लेके जाएँ, अगर वो कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, रेसलिंग, जूडो, कराटे, जो भी है, आपको यह नेक्स्ट जब स्टेप आपका आए, नेक्स्ट स्टेज, तो उस स्टेज पे आपसे इसका
ट्रेड टेस्ट स्किल जो होता है स्किल टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। और आपका नेक्स्ट भी डॉक्यूमेंट पे आते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस तरीके सुनते मत रहिए, कॉपी कलम लेके लिखते रहिए, मैं अभी स्क्रीन पे कितना आपको दूंगा लिखिए हाथ से बैठ बैठ के, ये डोमिसाइल बोल दिया ये तो इसको या फला फला सर्टिफिकेट लिखिए जल्दी जल्दी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या PCR परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, PRC परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वही सेम है निवासी प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, आपको उसको लेके जाइएगा। इसको अभी मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बहुत ज्यादा है, डोमिसाइल के बिना आपको अंदर जाने नहीं देंगे, डोमिसाइल इज मैंडेटरी, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द कैटेगरी हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम द SC ST OBC EWS, इन लोगों के लिए जनरल के लिए कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ जनरल वालों, आपसे वहाँ पे परेशान बहुत लोग करेंगे कि तब भी लगेगा जनरल का सर्टिफिकेट, देयर इज नो नीड ऑफ जनरल सर्टिफिकेट, अगर वहाँ से मांगा जाएगा तो आप एम शांति से रहिएगा, बोल दीजिए साहब इसका जरूरत नहीं हम लोगों के लिए नहीं लगता, चिल्लाइएगा नहीं, आराम से आपको एंट्री मिल जाएगा, ओवरऑल आपको भगाया नहीं जाएगा। वहाँ पे भी उस्ताद लोगों को नहीं पता रहता है, मांगने लगते हैं काफ़ी कैंडिडेट, पिछली बार भी इसी तरीके से अलग अलग सेंटर पर परेशान हो गए थे। और एक कमेंट आया था पंखा क्यों नहीं चालू कर दे, वॉइस का प्रॉब्लम होने लगता है ना इसलिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बहुत लोग अप्लाई कर दिए हैं, बहुत लोग अभी नहीं किए, बहुत लोग इस डाउट में है करूं कि नहीं करूं, बहुत लोगों के ऊपर FIR लॉज है, तो लोग क्या करें, आप एक काम करिएगा कि आपको देखिए इट इज़ नॉट मैंडेटरी, मैं बोल रहा हूँ अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए भगाया नहीं जाएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए आपको भगाया नहीं जाएगा। तो क्या होगा, आपको एक डोसियर फॉर्म होता है, उनके ऊपर डोसियर चेकलिस्ट होता है, लगाते हैं हाँ एडमिट कार्ड है, हाँ एडमिट कार्ड है, एप्लीकेशन फॉर्म है, हाँ एप्लीकेशन फॉर्म है, और क्या है और डोमिसाइल है, डोमिसाइल है, कास्ट है, कास्ट है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर, इस तरीके से लगाते जाते हैं, नहीं है तो इसको नहीं लगाएं, पेमेंट नहीं, पेमेंट को नहीं लगाएंगे, तो उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट डिटेल रहता है और आपका ऐसे स्टेपल करके सबमिट करके रख लेते हैं वहाँ पे, तो आपको भगाया नहीं जाएगा, कैरेक्टर नहीं है, नहीं है तो आपको भगाया नहीं जाएगा, वो आपको नेक्स्ट टाइम मौका दे देंगे, नेक्स्ट टाइम ला करके आप दिखा दीजिएगा। और मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, सजेस्ट कि आप जो आपको करना है आपका जो मन है कर लीजिएगा, मैं जैसे कि आपका पैसा उसमें लगेगा, फालतू का खर्च होगा और उसका 6 से 1 साल तक वैलिडिटी रहेगा, आप वहाँ पे जो जा रहे हैं ना, आप 1 साल वाला भी अगर आपका बना हुआ 1 साल होने वाला है तो आप उसे भी लेते जाइए, नहीं आपका जो भी पुराना है उसे ही लेते जाइए, क्यों, क्योंकि आपको अभी नेक्स्ट स्टेज पर जब आएंगे तो अगर वो पुराना रहेगा तो सस्पेक्टेड में डाल के और आपको क्या बोल देंगे कि भैया इसको आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट नया वाला लेके आके अपलोड करा दो, तो वहां पे वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, आपका फालतू का पैसा खत्म होगा इधर उधर। बाद में अगर रिजेक्शन, बाय द वे अगर ऊपर वाला नहीं चाहे, देखिए रिजेक्शन तो बहुत लोगों को होना ही है, रिजेक्ट होना ही है, तो कोई मतलब नहीं है फिलहाल, लेकिन आपके ऊपर बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, नहीं बनवाना चाहते हैं तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होगा, मैं 100% गारंटी देता हूं आपको भगाया नहीं जाएगा। और आपको नेक्स्ट में क्या है कि 6 से 10 फोटो ले लीजिए, 6 लिखा है पिछली बार एडमिट कार्ड में, 10 लिखा था, आप 6 से 10 फोटो ले लीजिएगा, हालांकि 6 वही लगते हैं, 5-6 लगते हैं, आप इतना फोटो मिनिमम रख लीजिएगा, 6 से 10 फोटो रिसेंट जो आपका फॉर्म भरे हैं वो उसी उसको भी रख सकते हैं, या तो अपना इस तरीके से खड़ा होकर के खिंचवा लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पे आते हैं कि फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, वोटर DL जो भी आपका लगेगा आप अपलोड किए हैं उसको रख लीजिएगा, कोई तो एक होना चाहिए जिससे कि वहाँ पे मैच किया जा सके, जो आप फॉर्म में अपलोड किए हो ना उसी को आप क्या करिएगा, उसी आईडी कार्ड को, आईडी प्रूफ को लेकर के जाइएगा। और इसी में मैं एक पॉइंट को और ऐड कर देना चाहता हूँ कि आप अपना क्या रख लीजिएगा, ब्लू पेन रख लीजिएगा, एक कॉपी पेपर पेंसिल जो भी कॉपी ले रख लीजिएगा छोटा मोटा, जब भी जो भी ज़रूरत होगा आपके लिए, लेकिन पेन एक ब्लू पेन ना, रेड ब्लू ग्रीन, ब्लू नहीं, रेड ग्रीन येलो वाइट ऐसा कलम मत रखिएगा, ब्लू क्या ब्लू पेन रखिएगा। और मैं आपसे बोला था कि शुरुआत में ही कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो के अगर आप एंड तक बने हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ, और इसके पहले मैं एक पॉइंट और ऐड कर देना चाहता हूं कि RT-PCR का क्या पंगा है आपका, RT-PCR कोई बोलना नहीं, RT-PCR कुछ नहीं लगेगा, पिछली बार बहुत आफत हो गया था RT-PCR जिन लोगों का आउट हो गया था, भेज दिए जाओ बनवा करके लाओ, बच्चे पूरे लाइन में लगे हुए हैं, नाक में पूरा इस तरीके से डाल दे रहे हैं, और आप असम राइफल वाला वहां का व्लॉग इन सबको देखना चाहते हैं दीपू का स्पेशली करके, तो मैं बनाया हुआ हूं वहां पे कैसे क्या होता है असम राइफल का, 4-5
6 पार्ट में व्लॉग है, आप उसको भी देख लीजिएगा कैसे क्या होता है, और एक दीपू तक का सफर, वो सब मैं लिंक कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देने के लिए। और आपका काम है कि आप उसको क्या करिएगा कि इस वीडियो पे आ करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर करके देख लीजिएगा पूरा हर एक वीडियोस को। अब लास्ट में मैं जाते जाते बताना चाहता हूँ, अभी अपेंडिक्स ए बी फॉर्म अभी मैं आगे वीडियोज में बता दूंगा, जो आगे वाला वीडियोज आएगा उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। मैं आता हूं आपका सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे कि सुन लीजिए, अब लास्ट का टाइम है, वीडियो एंड होने वाला है, आपको लास्ट में 3-4 वीडियो मिलेंगे। आपको देखिए यहाँ पर वीडियो आ गया, इस वीडियो को आप जा करके देख लीजिए, असम राइफल रिक्रूटमेंट 2022 के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको देखिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को 100% देख करके जाइएगा, ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।